हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विकास किसे कहते हैं और इसके सिद्धांत क्या हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इसमें से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हुए पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और ऐसे समझेंगे कि फिर इसको समझने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आप देख लें तो आपको समझ में आ जाए, और क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास कहते किसको हैं, क्योंकि विकास में ही हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें विकास का अर्थ जानना ज़रूरी है। देखिए, विकास जो है किसी भी चीज़ में बेहतर करना विकास होता है। यानी जब हम किसी चीज़ में पहले से बेहतर कुछ करते हैं तो वो विकास होता है। जैसे कि हम अपने देश के विकास की बात करते हैं, तो देश का विकास कब होता है? जब जो हमें पहले से चीज़ें मिली थी उसमें हम कुछ बेहतर किए तो वो विकास हुआ। गांव के विकास की हम बात करते हैं, तो गांव में जैसे कच्ची सड़कें थी पहले, उसके बाद फिर पक्की सड़कें वहाँ बनी, तो वो क्या हुआ? गांव का विकास हुआ। ठीक है, बदलाव हुआ, विकास हुआ। लेकिन हर एक बदलाव विकास नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि गांव में पहले कच्ची सड़क थी, उसके बाद से गाँव में पक्की सड़क बनाई गई। ठीक है, तो बदलाव तो हुआ, मतलब यहाँ पर कच्ची सड़क थी, यहाँ पर पक्की सड़क बनी, तो बदलाव हुआ यानी विकास हुआ, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। ठीक, लेकिन अगर इस सड़क को, जो पक्की वाली सड़क है, इसको तोड़ दिया जाए, जैसे भी लगा के तोड़ दें हम, ठीक, तो क्या ये विकास हुआ? जबकि बदलाव तो हो गया, क्योंकि कच्ची सड़क थी वहाँ से पक्की सड़क बनी। ठीक, बदलाव हुआ, विकास हुआ। फिर हम इसको जैसे भी लगा के तोड़ दिए, अब ये क्या ये विकास हुआ? नहीं। तो विकास कब होगा? जब हम बेहतर करें और वो उन्नयन में हो, यानी हमेशा लगातार बढ़ता हुआ हो, आगे की तरफ बढ़ता, पिछले से बेहतर हो और आगे की तरफ बढ़ता हुआ हो, भले ही रुक रुक के हो। ठीक है, भले ही रुक रुक के हो लेकिन आगे की तरफ ही बढ़े, तो वैसा जब बदलाव होगा तो वो विकास कहलाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बाल विकास की। दोस्तों, एक सेकंड का समय लीजिए और थोड़ा सा सोचिए कि एक मानव की शुरुआत होती कहाँ से है। तो दिमाग में आएगा आंसर कि माँ के गर्भ से। ठीक है, तो माँ के गर्भ से एक मानव की शुरुआत होती है। और हम बात करते हैं जब बाल विकास की, तो विकास शुरू कहाँ से होगा? तो ये भी माँ के गर्भ से ही शुरू होगा। क्यों? क्योंकि एक मानव की जो शुरुआत होती है वो माँ के गर्भ से होती है, तो विकास भी वहीं से शुरुआत होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि मतलब बच्चों में विकास शुरू कहाँ से होता है? तो आप क्या कहेंगे? क्या जन्म के बाद? नहीं, जन्म के बाद नहीं, गर्भ, माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। ठीक है, वहीं से विकास शुरू होता है। उसके बाद से चलते चलते कुछ 280 दिन का समय लगता है, उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है। ठीक है, तो विकास की शुरुआत हम अगर कहें तो कहाँ से होगी? माँ के गर्भ से। ठीक है, उसके बाद बच्चा लगातार बेहतर की ओर चलेगा, बेहतर की ओर चलेगा, तो उसको हम कहेंगे विकास कर रहा है। ठीक है ना? उसके बाद इसके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको इसको समझना तो है ही, ये जो सिद्धांत है इनको रटना नहीं है, सिर्फ समझते रहना है। और आप इसको जितना ज़्यादा अप्लाई करके समझेंगे किसी बच्चे पर, किसी बालक पर, उतना ज़्यादा आप इसको समझ पाएंगे और इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो है निरंतरता का सिद्धांत। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि एक बच्चे का विकास कब शुरू होता है? जब से उसका अस्तित्व होता है। अस्तित्व कब होता है? माँ के गर्भ में। ठीक, माँ के गर्भ में बच्चे का विकास स्टार्ट होता है, शुरू हो जाता है। और क्या वो जन्म होने के बाद ख़त्म हो जाता है? नहीं, जन्म होता है उसका, गर्भकाल के बाद उसका जन्म होता है, उसके बाद बच्चा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और ऐसे ऐसे करके प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक पहुँचता है। तब तक विकास क्या है? चालू रहता है, स्टार्ट रहता है। कहीं बंद होता है क्या? कहीं नहीं बंद होता है, एकदम चलता रहेगा, एकदम ऊपर की तरफ चलेगा। हो सकता है कई बार धीमा हो जाए, लेकिन चलता तो रहेगा हमेशा। तो सबसे पहला सिद्धांत विकास का यही है कि भाई, एक बालक का जब से अस्तित्व होगा तब से लेकर के उसका अस्तित्व खत्म होने तक विकास हमेशा चलता रहेगा। ठीक है ना? ये पहला सिद्धांत हुआ। दूसरे की बात करते हैं तो विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, विकास की दिशा के सिद्धांत को कैसे समझें? विकास जो है जब चलता है तो इसकी एक दिशा होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी बढ़ जाएगा। एक दिशा होगी विकास के चलने की। कौन सी दिशा होगी, समझो इसको थोड़ा। पहला जो है वो है सर से पैर, सर से पैर की ओर, इसको कहते हैं सिरोपादाभिमुख। ठीक, और दूसरा होता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से, अभी इसको मैं समझा रही हूँ, एकदम से ये समझ में आएगा,
केंद्र से बाहर की ओर। सिद्धांत देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत से अर्थ क्या है कि जो विकास होता है मानव में, बच्चों में जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है। क्रम का ना, यहाँ क्रम ना कह के इसको दिशा कहते हैं। देखिए, एक अनुमान लगाइए कि क्या ऐसे ही कहीं विकास हो जाता है कि आपका एक हाथ छोटा रह गया, एक हाथ बहुत बड़ा हो गया, एक हाथ, एक पैर आपका छोटा रह गया, एक पैर आपका बहुत बड़ा हो गया? ऐसा नहीं होता। तो ये जो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक क्रम कहेंगे, लेकिन क्रम का नाम यहाँ पे दिशा दिया गया है, ठीक है? तो इसको हम दिशा से समझेंगे कि विकास एक दिशा में होता है, ठीक है? और इसकी दिशा के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। एक है सर से पैर और दूसरा केंद्र से बाहर। सर से पैर की ओर से मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले उसके सर से विकास शुरू होता है और पैर तक जाता है। जहाँ आप देखे होंगे कि जब बच्चे 2-3 महीने के होते हैं तो उनको हम ऐसे लेते हैं, अगर गोदी लेते हैं तो उनको ऐसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपना सर ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो वो सर उनका मतलब आगे या इधर उधर डिसबैलेंस ना हो, इसलिए हम उसको ऐसे लेते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो अपने हाथ को, पैर को चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले विकास कहाँ होता है? सर से लेकर के फिर पैर तक जाएगा, ठीक है? ये पहला हुआ, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। सेकंड है केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र से बाहर की ओर कैसे समझें कि हमें सबसे पहले केंद्र से मजबूती मिलती है, फिर वो बाहर की तरफ जाता है ना विकास। सबसे पहले हम अपने हाथों को ऐसे हिलाना शुरू करेंगे, ठीक है? उसके बाद बहुत दिन बाद तब हम जाके कुछ पकड़ते हैं इस तरह से, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर विकास जाता है, ठीक है ना? ये दोनों क्लियर हुए, विकास की दिशा का सिद्धांत, सर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर, ठीक? चौथे तीसरे नंबर पे आते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। देखिए, प्रत्येक जो मनुष्य होते हैं, प्रत्येक मनुष्य जो है या फिर जितने भी जीव हैं, सबकी जितने भी जीव हैं जिनकी प्रजातियां हम कह सकते हैं, उन सभी प्रजातियों में अपनी अपनी एक क्रमबद्धता होती है। जैसे कि हम मानव में है, जैसे हम यहाँ बाल विकास की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव के विकास में क्रमबद्धता होती है। कैसे होती है कि बच्चे का जन्म होगा, उसके बाद वो रेंगना शुरू करेगा, उसके बाद खड़ा होना, उसके बाद चलना, और ये सारे बच्चों में होगा, ठीक है? सबसे पहले वो शैशवावस्था में जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद से फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरह से विकास का क्रम चलता है, ठीक है? तो क्रमबद्धता का सिद्धांत यही कहता है कि भाई विकास जो है सभी प्राणियों में, यानी अगर बच्चों की बात करें तो सभी बच्चों में, सभी बच्चे सबसे पहले जन्म लेंगे, उसके बाद रेंगना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर जो है इस तरह से क्रॉल करना, फिर उसके बाद खड़े होना, तो सभी बच्चे इसी तरह करेंगे, ठीक? तो ये है क्रमबद्धता का सिद्धांत, मतलब एक क्रम होगा विकास का। ऐसा नहीं है कि किसी ये कोई बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो दौड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा, एक क्रम से होगा। तो वो क्रमबद्धता का सिद्धांत है, ठीक है? आते हैं चौथे नंबर पे, बात करते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है? देखिए, यहाँ पे हम पढ़े हैं कि क्रमबद्धता होती है, ठीक, कि बच्चा सबसे पहले पैदा होगा, उसके बाद से फिर जो है वो क्रॉल करना शुरू करेगा, रेंगना शुरू करेगा, उसके बाद खड़े होना, फिर चलना, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे सेम टाइम पे ऐसा करेंगे, कुछ बच्चे हो सकता है जल्दी करें, कुछ बाद में करें, ठीक। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसको कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है? मतलब हो सकता है कि शैशवावस्था सभी बच्चों में होगी, बाल्यावस्था सभी बच्चों में होगी, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा सबसे पहले चलना शुरू कर दे, हो सकता है कोई बच्चा बाद में चलना शुरू करे। किसी किन्हीं दो बच्चों का जन्म, अगर मान लीजिए कि 2 जनवरी को 2 बच्चों का जन्म होता है, ठीक है? ये बच्चा भी 2 जनवरी को जन्म लिया, ये बच्चा भी 2 जनवरी को जन्म लिया, ठीक। और हम कहते हैं कि साल भर, 1 साल के होते होते बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा जिस तारीख को चलेगा ये बच्चा भी उसी तारीख को चलेगा, ठीक है? तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना? क्रमबद्धता तो होगी, मतलब क्रम सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है पहला वाला बच्चा जल्दी चलना शुरू कर दे, दूसरा वाला देर में करे, है ना? तो ये वैयक्तिक विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, ठीक। देखिए, पांचवे पे आते हैं, बात करते हैं वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया। देखिए, विकास में हम जानते हैं कि वातावरण और आपका जो है अनुवांशिकता, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आप कुछ चीज़ें अपनी अनुवांशिकता से लेके आते हैं, बाकी जो बचता है वो आपको वातावरण देता है, ठीक है? तो इन दोनों की अंतःक्रिया, ये सामान्य चीज़ है, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है ना? छठे पे आते हैं, बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब देखिए, इसको परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर कोई बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, तो क्या उन दोनों के बीच एक संबंध होता है या नहीं? मतलब क्या शैशवावस्था
से कुछ भी लेकर के बालक बाल्यावस्था में नहीं जाता है, जाता है वो सबसे पहले तो रेंगना शुरू किया, उसके बाद से फिर मतलब क्रॉल करना चलना इस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जितने भी अवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि इसमें परस्पर संबंध होता है। उसके बाद आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखिए समान प्रतिमान को कैसे समझेंगे कि बालक सबसे पहले ये जो सिद्धांत समान प्रतिमान का है विकास के लिए, तो ये कहा गया है कि भाई विकास जो है वो सभी मनुष्यों में समान होगा, यानी सबसे पहले कोई भी, चाहे आप भारत के बच्चे की बात कर लें, चाहे आप US में रहने वाले बच्चे की बात कर लें, उनमें सभी विकास जो है वो समान तरीके से होगा। यानी सबसे पहले शैशवावस्था आएगी, ठीक, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से। तो ये जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत है विकास के, ठीक है। उसके बाद आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये बहुत ही वो है क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। कैसे, देखिए बालक पहले आप देखेंगे शुरुआत में मुंह चलाना, ऐसे ही कुछ भी बोलना, गूंगा करना करता है, उसके बाद से फिर माँ माँ बोलना, ठीक। तो वो क्या हुआ, पहले उसने कुछ भी गूंगा करना शुरू किया, उसके बाद से फिर जो है आप देखेंगे वही बच्चा हिंदी बोलने लगता है बहुत अच्छा, वही बच्चा अंग्रेजी बोलने लगता है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बोलने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसी गूंगा करने से। यानी पहले सामान्य था, उसके बाद से फिर विशिष्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे बाल विकास के कुछ सिद्धांत। होप कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।